जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ के साथ कुछ कोर्सेज का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, और जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो आज की अपडेट है उसके बारे में। तो साथियों, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का नोटिस जारी किया गया है वो उसके लिए किया गया है जो हमारे एग्जाम स्टार्ट होने हैं 1 जून से, उसमें जो हमारा एलएलबी की डेट सीट है वो चेंज की गई है। यानी कि जो आपके एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं अब वो आपके 9 जून से स्टार्ट होंगे। तो आपकी जो रिवाइज डेट सीट है वो जारी कर दी गई है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी अपडेट किया हुआ है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके एमएससी के एग्जाम होने हैं तो एमएससी की भी जो डेट सीट है वो चेंज की गई है, उसके लिए भी जो रिवाइज डेट सीट है वो जारी कर दी गई है, वो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, चुनौती मूल्यांकन है उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जिसके लिए हजारों बच्चे परेशान थे तो उसका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। साथियों, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों, जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो आपके प्राइवेट के फॉर्म है हो सकता है इस बार नहीं आएंगे। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, क्या हमारा जो सेकंड ईयर है या हमारा फाइनल ईयर है तो हमारा क्या होगा? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं और आपके प्राइवेट फॉर्म नहीं आते हैं, तो जिन बच्चों का सेकंड ईयर और फाइनल ईयर है वो कंप्लीट कराया जाएगा, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होगी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे आगे बात करें साथियों, जो रिजल्ट रह गए हैं वो रिजल्ट भी बहुत जल्द डिक्लेयर किए जाएंगे, जिनको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।